हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हम दोनों कल शाम को पहुंच गए थे काजा और आज सुबह हम निकल रहे हैं सिक्किम कॉमिक लांगजा की मॉनेस्ट्री। तो देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं। आशीष भाई ने तो मफलर बांध लिया है, ठंड बहुत है, 4 डिग्री टेम्परेचर। अगर आपने पीछे के ब्लॉक्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखो, उसके बाद में ये देखना बड़ा मजा आएगा। और वो सामने पहाड़ी पे देखो कितनी मस्त धूप निकला है। चलें, लेट्स गो। रुकना मना है। आशीष भाई ने हमारे एप्पल निकाल लिए, बेचारे एक एप्पल पे जिंदा रहते हैं दोपहर तक, उसके बाद में खिचड़ी खाते हैं, बीमार चल रहे हैं। जल्दी भी दिन आएंगे मेरे। होपफुली जल्दी तुम्हारा सिस्टम ठीक हो जाए। तो हमने भी डिसाइड कर लिया कि हम जा रहे हैं चीचम पहले, उसके बाद में किब्बर जाएंगे, फिर जाएंगे की मोनेस्ट्री, उसके बाद में नंबर आएगा लांगजा हिक्किम कॉमिक का। राइट वाला ये रास्ता चला गया है हिक्किम कॉमिक लांगजा को, सीधे हम जाएंगे चीचम ब्रिज। लेफ्ट में आपको ये जो ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से हम जाते हैं मनाली चंद्रताल वाले रास्ते पे, जो कि हम जाएंगे कल। आज तो रास्ते फिलहाल ये सही हैं, बट कल की जो ड्राइव होगी ना खतरनाक होगी। नेक्स्ट एपिसोड देखना, जरूर देखना, वो जल्दी आएगा। पूरा रास्ता 140 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत खतरनाक है। और ये जो यहाँ पे डाउन हिल है ना, खतरनाक है। यहाँ पे बहुत हल्की हल्की गाड़ी निकालनी पड़ रही है हमें। ये जो रास्ता है ना, कुछ दूर तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है और चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, ये ना लद्दाख वाली फील दे रहा है। जब हम डिस्केट और नुब्रा वैली जाते हैं तब ऐसा एक रास्ता आता है जो कि सेम टू सेम ऐसा ही है। वहाँ पे मस्त बाइक दौड़ाते हैं, ऐसे यहाँ पे कार दौड़ा रहे हैं हम। सामने ये दिख गई झलक आपको चीचम ब्रिज की। तो अभी चलते हैं चीचम ब्रिज पे होकर उस पार। तो बीच की ड्राइव देख के मजा आया ना। हाँ, तो फिर दिखाते हैं तुम्हें चीचम ब्रिज, हम पहुंच के वहां पे। तो ये है चीचम ब्रिज, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ पुल है। ये देखो कैसे करके यहाँ पे इसको, मतलब इतने मोटे मोटे वायर लगा रखे हैं, रोक रखा है खस खस के, और ये वायर वहां पे जाते हैं ऊपर, इनसे रुका हुआ है। खतरनाक इंजीनियरिंग करी हुई है यार। और ये सारे ज्वाइंट्स ऐसे करके लगे हुए हैं इसमें। और यहाँ पे देखो कितना नीचे वो नदी बह रही है। ये यहाँ की सराउंडिंग्स हैं। अभी 7:30 बजे हैं सुबह के, तो ठंड काफ़ी हो रही है यहाँ पे, है ना। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, बस हम ही लोग हैं, कुछ और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये ब्रिज को देखने के लिए लोग आते हैं। एंड आगे चीचम गांव है, वहाँ आपको रहने के लिए रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। हमने प्लान किया हम अपना ब्रेकफास्ट यहीं पे चीचम ब्रिज पे बनाएंगे, तो यहीं पे हम ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। ये हमारी ब्रेकफास्ट टेबल चीचम ब्रिज पे, हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। और आशीष भाई एकदम मस्त नाश्ता करते हुए। तो ये अमित भाई बर्तन धुलते हुए। तो यहाँ से चलते हैं अब किब्बर की तरफ और फिर वहां से जाएंगे लांगजा। मजा आया एकदम, मस्त ब्रेकफास्ट था और ब्रिज काफी अच्छा लगा। यहाँ का जो पिक्चर्स की वो भी बहुत अच्छा था। चलते हैं किब्बर अभी, उसके बाद जाएंगे की मॉनेस्ट्री। लेट्स गो, देखते हैं क्या है कि
यूट्यूबर में। कैसा लगा आशीष भाई? बहुत सही था यार यहाँ पे। हाँ, और तुम लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट करना अपने भाई को, तुम हो तो मैं हूँ। ये किब्बर मॉनेस्ट्री है, तो अभी हम छिजम ब्रिज के बाद में यहाँ पे आए हैं। ये जो गांव है वो ऑलमोस्ट मतलब टॉप पे ही है, देखो माउंटेन ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहे हैं आपको उनकी, मतलब जस्ट स्लोप में बसा हुआ है ये इस साइड वाले पीक पे। एंड ये जो दाई है ना वो 95 ईयर ओल्ड हैं, जो किब्बर मॉनेस्ट्री पे यहाँ पे रहती हैं, और ये अपने आशीष भाई। टाइम टू गो बैक, और यहाँ से जब हम किब्बर से जाते हैं तो ये छिजम ब्रिज ऊपर से ऐसा दिखता है। किब्बर छिजम के बाद में टाइम फॉक की मॉनेस्ट्री, ये जो रास्ता जाता है की मॉनेस्ट्री को जाता है, नीचे हम जाते हैं काजा के लिए, और ये सामने दिख रही है ना वो है की मॉनेस्ट्री। हम पहुँच गए हैं, गाड़ी पार्क करें तो अच्छी सी ब्यूटीफुल राइड के बाद में हम पहुँच गए की मॉनेस्ट्री। अभी अंदर जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते हैं अंदर जाके। और ये मॉनेस्ट्री से पूरा नीचे का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। लुक, वो वाले माउंटेन्स कितने प्यारे लग रहे हैं यार। नीचे रिवर बह रही है, ऊपर इतनी अच्छी फॉर्मेशन है इन माउंटेन्स की, डैम यार। छिजम ब्रिज, किब्बर मॉनेस्ट्री, की मॉनेस्ट्री हमने कवर कर लिया। अब टाइम है लांगजा जाने का, तो हमने गाड़ी अपनी लांगजा की तरफ मोड़ दिया है। बीच में हमें कहीं अपना लंच भी बनाना है, जो कि हमने अभी तक नहीं किया है, तो कहीं अच्छी सी जगह देख के हम लांगजा से पहले कहीं अपना लंच प्रिपेयर करेंगे। और देखो, एंजॉय करो इस ब्यूटीफुल राइड को, तब तक। सो हम लांगजा के पास में पहुंच गए, वो सामने लांगजा है। ये आपको प्रतिमा दिख रही होगी, ये वाली मेरी उंगली की सीध पे, ठीक है। और वो रोड वहाँ से ये ऊपर से घूम के जा रहे हैं, और सामने हमारा सेटअप रेडी है। भाई पुलाव कैसा था मैंने बनाया? एकदम मस्त बना था दोस्त। शेफ हूँ ना मैं, अच्छा वाला। यस। संजीव कपूर भी पीछे है ना मुझसे? इतना पीछे नहीं है, थोड़ा ही होगा। अभी हम हैं लांगजा में, और ये बुद्ध की जो प्रतिमा है ना, माउंटेन से सराउंडेड, इतनी खूबसूरत लगती है यार, इतना मस्त लगता है। अगर आप देखोगे इसको सामने से ना, पिक्चर्स में इतना अच्छे से नहीं देख पाओगे। सो लांगजा हमने विजिट कर लिया है, आपने देखोगे नज़ारे कितने खूबसूरत थे, है ना। तो चलते हैं हिक्किम कॉमिक। कॉमिक है यहाँ से अभी 5.2 किलोमीटर, ऑल टुगेदर 9 किलोमीटर है लांगजा से ना। गड्डी हवाले कर दी गई है आशीष भाई के, हमें थोड़ा आराम चाहिए था, बहुत चला ली हमने गाड़ी। यहाँ के रास्ते सही हैं, साइड में देख के डर नहीं लगता कि खाई है बहुत ज़्यादा फट के चार हो जाए, जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा होगा कितना खतरनाक रास्ते थे, बट इसमें नहीं है, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। एंड हम पहुँच गए कॉमिक, यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, जहाँ हम पियेंगे सी बग टी, ट्राई करेंगे। एक्चुअली वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट होने के साथ साथ यहाँ पे ये वर्ल्ड का हाईएस्ट गाँव भी है, जहाँ पे बहुत कम जनता है, बहुत कम लोग रहते हैं। हमने सीबक ट्राई हमने सीबक भी ट्राई करी, बट हम ठहरे देसी आदमी, हमें तो वही दूध वाली चाय अच्छी लगती है। और ये भाई जबरदस्ती में पी रहा है चाय। हाँ
कॉमी घूम लिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम लेकर तुम्हें इक्केम। हाँ ये वाला ही लेना है, ये वाला, वो वाला तो अपने आए ना उधर से। क्या कर रहा है? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. एंड हिक्की में जैसे एंटर करोगे, ये एक दुकान है जहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड वगैरह मिलते हैं, आप यहाँ से लेके जाओ पैक करके, और सिर्फ आपको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में डालना होता है। तो देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, एंड ये पोस्ट कार्ड आपको आगे भी मिल जाएंगे, जरूरी नहीं आप यहाँ से भी लो। अजीत भाई जिंदगी की पहली पोस्ट कर रहे हो तुम? देखो पहुँचती है नहीं पहुँचती है, किसको कर रहे हो, गर्लफ्रेंड को कर रहे हो? नहीं खुद को कर रहा हूं। कौन सा वाला एड्रेस पे? मेरा जो एड्रेस है गुड़गांव वाला। ये झूठ बोल रहा है, एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहा है पोस्ट। तो अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से लेटर पोस्ट करने, जो कि आशीष भाई ने अपने महबूब के नाम लिखा हुआ है। ये एक लेटर जो कि आशीष ने अपने नाम लिखा हुआ है, एक और लेटर है जो गर्लफ्रेंड के नाम पोस्ट कर। भेज दो खत अपने महबूब के नाम। कितनी भीड़ लगी हुई है देखो यहाँ पे। ये हिक्किम गांव है, छोटा सा, आई थिंक जनसंख्या ज़्यादा नहीं होगी, मुश्किल से 100 से 200 लोग रहते होंगे, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लाइन में लोग लगे हुए हैं। और यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शाखा डाकघर हिक्किम में आपका स्वागत है। काजा के राउंड की हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली। अब टाइम है गाड़ी को फुल कराने का, क्योंकि काजा से निकलने के बाद में हमें सीधे पेट्रोल मिलेगा मनाली में। तो गाड़ी का टंकी फुल कराते हैं काजा में चल के, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या होता है, लोसर के लिए निकलते हैं या काजा में रुकते हैं। अगर आप काजा में हो तो ये मान के चलना आपको पेट्रोल डलवाने के लिए भीड़ लाइन लगानी पड़ेगी और टाइम लग सकता है। तो वेल हमारे प्लान में हो गया था चेंज, हम पहले काजा रुकने वाले थे, हमारा होम स्टे बुक था, बट क्या करें मूड सनक गया हमारा और हम लोसर चले आए, जो कि चंद्रताल जाने से पहले एक स्टे पड़ता है, वहाँ पे ही पुलिस चौकी है और वहीं पे रोकते हैं, उससे आगे नहीं जाने देते अगर आप लेट हो जाते हो। हमने यहाँ पे होम स्टे लिया हुआ है और यहाँ पे कहते हैं ना कि ऑफ सीजन होता है, अक्टूबर ऑफ सीजन होता है, कोई ऑफ सीजन नहीं होता है। यहाँ पे पूरे बंगाल से लोग आते हैं और पैक्ड रहता है। आप आई डोंट नो कि हमें तो बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है। कल हम गए थे, ये जो देख रहे हो ये बुखारी है, यहाँ पे आपको पहाड़ों में मिल जाएगी जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ होती है।